जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भाजपा की केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। मलिक ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बड़े स्तर पर दंगे और हिंसक घटनाएं होंगी, इसके लिए हम सभी को अभी से ही सचेत होना चाहिए, क्योंकि वोटों की खातिर ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं, मेरी और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे NSA दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहाँ पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा, तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाज़ा था पहले से। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, चूँकि मैं जाट एरिया से आता हूँ, वहाँ एक कहावत थी कि जाट का तो हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। चूँकि जाट ट्रेडिशनल सेंस में हिंदू नहीं होता, पूजा पाठ वाला नहीं होता, वो आर्य समाजी होता है, और इसी तरह मेव ट्रेडिशनल सेंस में मुसलमान नहीं होता, वो सिंपल एकदम सीधे सीधे रहता है सपाट। उनमें दंगा हुआ है कल, जिनके बारे में ये था कि ये इनमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है, वहाँ दंगा हुआ है और ये दंगा बढ़ाया गया है जानबूझ के, और ये एक ही जगह नहीं हुआ, कल ही कल में रात रात में 8-10 शहरों में वहाँ के हरियाणा के ही हुआ है। हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे, अब ये हुआ 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं, और ये होंगे देश में बड़े पैमाने पे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को ये सावधान करना चाहता हूँ कि सब अप्रत्याशित चीज़ों के लिए तैयार रहिए, और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही हैं। और आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। राम मंदिर वाली भी मेरी डेफिनेट जानकारी है कि चूंकि राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा वो तब बनेगा जब उस पर बम पड़ेगा या कोई चीज़ होगी, वो हो सकता है कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, क्योंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए, तो जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। मैं बहुत लंबा हो गया, बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज का मैं बहुत आभारी हूँ, सारी पार्टियों के लोग आए और उन्होंने हमारे जो कंसर्न है वो साझा किए, उनसे मैं कहूँगा कि वो चूँकि जनता के बीच में है, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं इन सवालों को, इन मुद्दों को उठाते रहें और जोरदार तरीके से उठाते रहें, तो देश बड़ी ट्रेजेडी से बच जाएगा। पुलवामा का जहाँ तक ताल्लुक है, पुलवामा पे जब मैं बोला, पहले कोई चीज़ें बोलता था तो कोई रिएक्ट नहीं करता था सरकार का आदमी, लेकिन पुलवामा बोलने के बाद सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि जब ये गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले थे, तो मैं उनकी याददाश्त खुरचना चाहता हूँ कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है जिसकी वजह से ये हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का फ़ोन मुझे आया, चूँकि वो अनएक्सेसिबल थे, वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में थे और उनके पास ये बहाना था कि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उनका फ़ोन आया, मुझे ये घटना हुई है 3:30 बजे, 5 बजे उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सत्पाल इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिर 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे लॉ में, हम साथ पढ़ते थे, उनका फ़ोन आया कि सत्पाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच वाँच कराएंगे,
तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला, लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि चुनाव में वही चीज़ सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जहाँ तक पुलवामा के नतायज का ताल्लुक है, वो बहुत भयानक, पुलवामा के होने के बाद इनको जो करना चाहिए था इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे, और वो पूरा चुनाव, पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की वो हैं क्लिप्स जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई है। और आज मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के देखभाल में होनी चाहिए। पुलवामा में जो जो नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊँ। असल में यहाँ गलत फहमियाँ बहुत हैं कि साहब ये वो आया था, क्या बोलते हैं आप उसको, इंटेलिजेंस अलर्ट, वहाँ तीसरे दिन क्या एक दिन में 3-3 इंटेलिजेंस अलर्ट आते हैं। मुझे तो हर रोज़ आता था कि आप यहाँ बैठ के चाय मत पिया करो, पाकिस्तान के शूटर आए हुए पहाड़ी पे, आपको कोई मार देगा। मुझे तीसरे दिन जनरल्स दो मिलने आते थे कि साहब आप सड़क से क्यों जाते हो एयरपोर्ट, आपको बम्प ऑफ करने के लिए पाकिस्तान ने IED एक्सपर्ट भेजे हुए हैं। खैर वो हमारे यहाँ एक सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर जाता था इसका अपना हमारा खुद का, यहाँ से जो राजभवन था वहाँ से एयरपोर्ट तक मैं उससे चला जाता था, लेकिन सख्त हिदायती रहती थी, तो खैर मैं उसको मानता था। लेकिन इसकी जो जानकारी थी कि ये पुलवामा में ऐसा होगा वो मेरी जानकारी में नहीं था। अगर ये लोग जो CRPF के लोग हैं मुझे लूप में लेते तो मैं इनको 2 दिन में हवाई जहाज का इंतजाम कर देता। इनकी एप्लीकेशन 4 महीने तक पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में कि साहब हमको इतना बड़ा कॉन्वॉय है वो नहीं जा सकता, अदरवाइज उसके लिए 5 जहाज चाहिए। बहुत आसान चीज़ थी, मैं तो वहाँ कभी लड़के इम्तहान के दौरान फंस जाते थे जम्मू के श्रीनगर में या श्रीनगर के जम्मू में, तो उनका एयरलिफ्टिंग करा देता था। अगर वो मेरे से कहते मैं इमीडिएटली करा देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा और होम मिनिस्ट्री ने उनको 5 जहाज नहीं दिए। ये जांच करने की चीज़ है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन जिम्मेवार है। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और उससे जहाज से लोग आए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। इसमें ये भी एक गलती हुई, मैं गया था उस जगह जहाँ विस्फोट हुआ था, उस एरिए में 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों तरफ 8-10 लिंक रोड मिलती हैं मेन हाईवे में, एक भी मैन नहीं थी, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी ट्रैफिक को रोकने के लिए कि भाई हमारा कॉन्वॉय जा रहा आप इसमें मत आइए। जबकि मैं हमारी जो फोर्सेस आती थी तो मैं श्योर करता था कि उस दिन कोई सिविल ट्रैफिक हाईवे पे नहीं जाएगा, और उसका नतीजा ये था कि सेफली चले जाते थे। उस दिन कोई मैनिंग नहीं थी, कोई उसका क्या बोलेंगे सैनिटाइजेशन नहीं था सड़क का, और वो गाड़ी आई और बेफिक्री के साथ जाके उसने टक्कर मारी और शहादत हो गई हमारे जवानों की, और अब तक उसने किसी भी आदमी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, क्योंकि इतनी लैप्सेस हैं उसमें कि बहुत सारे लोगों के सर रोल होंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं
उनको माननीय गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के मेरे दो बयान देख लें जो मेरे उसी वक्त पुलवामा होने के दो घंटे के अंदर अंदर दो इंटरव्यूज मैंने वहाँ एक चैनल को दो चैनल को दिए थे कि ये हमारी गलती से हुआ है, इसमें हम जिम्मेवार हैं, हम उनको जहाज दे देते तो ये नहीं होता, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, कोई ना कोई जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा, तो ये देश की सिक्योरिटी के साथ इस स्तर पे खिलवाड़ हुआ और अभी भी हो रहा है, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप छलारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।